लोकसभा चुनाव में महज चंद महीने ही बाकी रह गए हैं और ऐसे में देखा जाए इन लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच ठनती हुई नजर आ रही है। सवाल यहां पर उठ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के लिए कि आखिरकार वह इस गठबंधन का हिस्सा बनेंगी या फिर नहीं। आखिरकार कांग्रेस पार्टी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की आपत्ति के बावजूद क्या बसपा को इस गठबंधन में लेकर आ पाएगी या फिर नहीं, ये सवाल लगातार उठ रहा है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, अखिलेश यादव और डिंपल यादव साफ कर चुके हैं कि वह बसपा को इस गठबंधन का हिस्सा बनाना नहीं चाहते, लेकिन कांग्रेस से कई ऐसे दिग्गज नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के ऐसे कई दिग्गज नेता हैं कि यह गठबंधन होना चाहिए जो चाहते हैं। और साफ तौर पर बसपा सांसद मलूक नागर का कहना भी ये रहा कि अब कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए और पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए मायावती को आगे कर देना चाहिए। लेकिन आज यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने अपनी बात रखी। कांग्रेस के दिग्गज नेता अविनाश पांडे का कहना रहा कि इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, जो बसपा के संपर्क में बने हुए हैं, ऐसे में लोग यहां पर चाहते हैं कि बसपा इस गठबंधन का हिस्सा बन जाए। तो सवाल लेना चाहेंगे हमारी सहयोगी नाजमीन से कि आखिरकार वह इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगी। आखिरकार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के मौजूदा समय में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या वाकई में यहां पर अहम रणनीतियां बनाती हुई नजर आएंगी? कैसे देख रही हैं सपा के मना करने के बावजूद जो कांग्रेस चाहती है कि दलित वोट बैंक को बढ़ावा मिले और मायावती इस गठबंधन में आ जाए, क्या आपको क्या लगता है कि सोनिया गांधी की तरफ से कोई पहल नजर आएगी इस बार? देखिए बिल्कुल, यहाँ की क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी यूपी में ऐसा खासा कुछ काम करती हुई नजर नहीं आई थी, बल्कि सपा और बसपा का गठबंधन देखा गया था। यहाँ पर बसपा को सपा से ज्यादा वोट मिले थे, 10 सीटें मिली थी और वहीं 7 सीटों पर दर्ज यहाँ पर एक तरीके से समाजवादी पार्टी ने दर्ज की थी, लेकिन बसपा ने यह आरोप लगा दिया कि समाजवादी पार्टी की वजह से वो चुनाव नहीं जीत पाई है, इसलिए गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन सपा के साथ अभी भी मायावती नहीं जाना चाहती, वो साफ साफ इनकार करती हैं कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाऊंगी। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात करें तो लगातार मायावती के संपर्क में आ रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि मायावती मान जाए और यहां पर वो उनके साथ गठबंधन करके लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़े और दोनों ही पार्टी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हरा पाए, ऐसी रणनीति कांग्रेस पार्टी बना रही है। तभी तो इंडिया गठबंधन में शामिल होने की बात जब की गई थी तो यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया था कि मायावती को इंडिया गठबंधन में लाना काफी जरूरी है क्योंकि दलों की संख्या बढ़ेगी, इससे ज्यादा वर्चस्व बढ़ेगा, उतनी ताकत बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को हराना काफी आसान हो जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने यह कह दिया कि अगर आप मायावती को लाएंगे तो हम अलग हट जाएंगे। तो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी और वहीं सोनिया गांधी की बात करें आलाकमान की, तो वो कहीं ना कहीं चाहेंगे कि वो मायावती से मुलाकात करें और मायावती के साथ संपर्क में आए और जल्द से जल्द कोई गठबंधन को लेकर ऐलान करती हुई दिखाई दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि यहाँ पर नाजमीन ने कहा कि अब आने वाले समय में कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी पहल देखने को मिल सकती है। मालूम हो कि बीते कुछ महीने पहले ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुलाकात की थी मायावती से, अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये दावा किया गया। अब देखना होगा कि आखिरकार सोनिया गांधी क्या कोई बड़ी पहल करेंगी, क्योंकि राहुल गांधी तो यात्रा लेकर पहुँच ही रहे हैं अब यूपी में भी। अब देखना होगा कि आखिरकार बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का क्या कुछ अहम फैसला होता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।